मैनपुरी जिला के बीएससी यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी और लेखा अधिकारी मैनपुरी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। तो आखिर क्यों किया गया है, क्या मामला है, क्या मसला रहा है, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी इसे स्किप ना करें। तो यहाँ पर मैटर ये है कि प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह और वित्त एवं लेखा अधिकारी अनिल शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है, जिसमें 27 जुलाई को तलब किया गया है। कोर्ट ने CJM मैनपुरी के मार्फत वारंट तामील करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सहायक अध्यापिका विनीता कुमारी व चार अन्य की अवमानना याचिका पर दिया गया है। याचिका कहना है कि आगरा विश्वविद्यालय की सत्र 2004 पहुंच की बीएड की फर्जी डिग्री मामले में याचियों को बर्खास्त कर दिया गया था। एकल पीठ के आदेश पर खंडपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए रोक लगा दी और विश्वविद्यालय को 4 माह में जांच पूरी कराने का निर्देश दिया तथा कहा कि तब तक याचियों को कार्य करने दें व वेतन भुगतान किया जाए। इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले में अवहेलना करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तो पूरा मामला जो ये प्रकरण था हमने आपको बताया। इस प्रकरण को लेकर के मैनपुरी के बीएससी और लेखा अधिकारी को समन जारी कर दिया गया है, उन्हें जमानती वारंट जारी किया गया है और 27 जुलाई को उन्हें तलब किया गया है। कोर्ट में इन्हें हाजिर होना होगा और अपना जवाब देना होगा। तो ये मामला पूरा जो है वो 2004 पहुंच के बीएड जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनका है, तो कोर्ट में चल रहा है, इस कारण से इन्हें समन जारी किया है, नोटिस जारी किया गया है।